नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सब कृषि विषय के स्टूडेंट हैं और हम में से करीब 90% जो अभ्यर्थी हैं, 90% विद्यार्थी हैं, उनको ये ही नहीं पता होता कि हम कृषि विषय में कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, कृषि विषय में आगे कौन कौन से स्कोप हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कृषि विषय में आगे कौन कौन सी जॉब हैं, क्या स्कोप हैं कृषि विषय के, क्योंकि जो अभ्यर्थी सुपरवाइज़र में फेल हो चुके हैं यानी जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं, वो अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी चिंता है कि यहाँ से आगे अब क्या करें, यानी क्या करना चाहिए अब यहाँ से आगे। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे जो भी हमारी वीडियो आएंगी, जो भी जानकारी होगी कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित या कृषि विषय में किसी भी जॉब से संबंधित, तो वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करें 12th AG से। हमारा जो वेश बनता है वो बनता है 12th AG से, कि हम लोग 12th में कौन सी विषय का चुनाव करते हैं, एग्रीकल्चर विषय का चुनाव करते हैं। 12th पास करने के बाद विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं। वो अलग अलग क्षेत्र में क्या है, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो केवल 12th ही करते हैं एग्रीकल्चर से, उसके बाद वो कुछ और कर लेते हैं या पढ़ाई बंद कर देते हैं। ये कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जेट, ICER या BHU की परीक्षा देते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वेटनरी करते हैं, यानी जिनके मन में वेटनरी की होती है। तो 12th करने के बाद विद्यार्थी तीन भागों में बढ़ जाते हैं एग्रीकल्चर के। एक 12th से 12th C रह जाते हैं, एक जेट, ICER या BHU का पेपर देते हैं या कुछ भी पेट वगैरह का पेपर देते हैं, और एक वो विद्यार्थी जो वेटनरी करते हैं। अब देखो, हम बात करें जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से 12th करते हैं, तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से केवल 12th करते हैं वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर दे सकते हैं। यानी जिन विद्यार्थियों ने केवल एग्रीकल्चर से 12th पास ही की है वो केवल एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर दे सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। और भी जॉब हैं जो वो कर सकते हैं, वो मैं अगले पेज पर बात करूँगा, पहले यहाँ क्लियर कर लेता हूँ, इसके लिए वीडियो पर बने रहें। अब देखो, मैं बात करूँ कि जो विद्यार्थी जेट, ICER या BHU पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर BSc AG या BTech एग्रीकल्चर से करते हैं। जो विद्यार्थी जेट, ICER का BHU की परीक्षा देते हैं वो BSc AG या BTech AG से करते हैं। और BSc AG करने के बाद जो कृषि विद्यार्थी हैं वो दो भागों में फिर बढ़ जाते हैं। जो विद्यार्थी BSc से एग्रीकल्चर करते हैं वो फिर दो भागों में बढ़ जाते हैं। उनमें से कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो BEd करते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो MSc या स्पेशलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, MSc या स्पेशलाइजेशन। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो BEd करते हैं। तो हम बात करें BEd वाले विद्यार्थी, जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर BSc के बाद BEd करते हैं वो या तो टीचर बन सकते हैं, जैसे 12th में आपको टीचर पढ़ाता हुआ कोई एग्रीकल्चर का, तो या तो वो टीचर बन सकते हैं या सुपरवाइज़र का पेपर दे सकते हैं, या वो सहायक कृषि अधिकारी का पेपर दे सकते हैं, या वो AFO का पेपर दे सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो वहाँ बैंकों में काम करता है। तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से केवल BSc हैं और BEd करते हैं वो एक तो सुपरवाइज़र, एक AA, एक AFO और भी अन्य जगह होती हैं इनके लेवल की, वो उन्हीं का पेपर दे सकते हैं। आगे मैं बात कहूँ, जो विद्यार्थी MSc या स्पेशलाइजेशन करते हैं, MSc या स्पेशलाइजेशन का अर्थ है कि MSc स्पेशल विषय से, जैसे हम बात करें वो MSc लेगा तो स्पेशल विषय आएगी, कोई एग्रोनॉमी से कर रहा है, कोई हॉर्टिकल्चर से कर रहा है, कोई सोयल साइंस से कर रहा है, तो ऐसे स्पेसिफिकेशन आता है। तो जो विद्यार्थी MSc या स्पेसिफिकेशन करते हैं वो व्याख्याता यानी लेक्चरर या प्रोफेसर बनते हैं, या वो AO यानी कृषि अधिकारी बनते हैं, कृषि अधिकारी का पेपर देते हैं, या वो सहायक कृषि अधिकारी बनते हैं, या वो कृषि अनुसंधान अधिकारी बनते हैं, या वो AFO बनते हैं, या वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनते हैं। यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र तो सभी लोग देते ही देते हैं। आगे जो MSc करते हैं विद्यार्थी, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जो विद्यार्थी MSc करते हैं वो MSc के बाद PhD भी करते हैं। तो PhD करने के पश्चात भी विद्यार्थी सीधे साइंटिस्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो एक ये भी अलग फॉर्मा होता है कि MSc के बाद कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो PhD करते हैं और PhD के बाद साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब बचे विद्यार्थी जो कि वो वेटनरी करते हैं। अब जो विद्यार्थी वेटनरी करते हैं
वो विद्यार्थी LSE का पेपर देते हैं। किसका? LSE, जिसको हम कह देते हैं पशुधन सहायक, यानी भी पशुओं के डॉक्टर बनते हैं, या वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर देते हैं। तो जो विद्यार्थी वेटनरी करते हैं वो LSE यानी पशुधन सहायक और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र दोनों का पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ तक का मैटर आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि कहाँ से कहाँ तक विद्यार्थी पहुँचते हैं और कौन कौन सी जॉब पर जाते हैं। अब मैं आगे बात कहूँ कि जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, प्राइवेट कंपनी में एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी जॉब हैं। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, एक तो फर्टिलाइज़र कंपनी में जा सकते हैं, जो उर्वरक खाद और उर्वरकों की जो कंपनियाँ होती हैं। दूसरा, जो एग्रो इंडस्ट्री चल रही है, बहुत सारी एग्रो इंडस्ट्री में जा सकते हैं। केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जाते हैं एग्रो इंडस्ट्री में। आगे हम बात करें एग्रीकल्चर मार्केटिंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या तो वे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर सकते हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं। आगे वो एग्रीकल्चर फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। आगे प्राइवेट बैंकिंग, एंड बहुत सारी जो बैंक होती हैं वो प्राइवेट एग्रीकल्चर फील्ड से कई स्टूडेंट्स लेती हैं। आगे वो प्राइवेट कॉलेज व महाविद्यालय में जा सकते हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं या महाविद्यालयों में पढ़ाने का कार्य होता है, और भी कई सारे कार्य होते हैं, सुपरवाइज़र की पोस्ट होती हैं, तो वो वहाँ भी जा सकते हैं। आगे जो लास्ट का जो ऑप्शन बचता है वो है प्राइवेट स्कूल्स, यानी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल से भी जा सकते हैं। आगे मैं बात करूँ, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं वो अपना कोई उद्योग भी डाल सकते हैं, यानी बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है इनके पास उद्योग धंधों का। वो अपना उद्योग भी डाल सकते हैं। उद्योग में बात करूँ, जैसे उसने नर्सरी डाल ली, मशरूम की खेती कर ली, फलोत्पादन कर लिया, तो यह काम वही विद्यार्थी कर सकते हैं जिनके पास कुछ ज़मीन होती है। जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो नर्सरी का काम कर सकते हैं। नर्सरी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा है आज के टाइम पर। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कृषि विषय में कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको तुरंत ही आपकी जानकारी का जवाब देंगे। जय हिंद।